बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बेसिकली आपके पास है प्रूफ ऑफ वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूफ किया था, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया था। नाउ अब जो हम टर्म कर रहे हैं, हमने बताना है कि वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज भी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, उनको प्रूफ करना पड़ जाए तो हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि वेरियंस जब भी आप फाइंड करते हो, दैट इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है जी वेरियंस। अब जो हमारे पास ये टर्म है ना, ये तो हमें पता है कि एन पी है, मीन है, म्यू, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास म्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन पी के है, जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। ये तो हमने फाइंड कर लिया था। अब हमारे पास जो टर्म फाइंड करनी है, जिस पर हमने वर्क करना है, वो हमारे पास हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, अगर इसमें को मैं ओपन करती हूँ कि एक्स एक्स माइनस वन, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। आप देखो, अगर आप इसे ओपन भी करते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो फिर भी एक्स स्क्वायर रह जाता है, बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पर काम करना है। देखिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या है, एक्स, एंड क्या है, एक्स माइनस वन, एंड यहाँ प्लस एन पी, क्योंकि इट्स अ मीन। बट ये अभी हमने नहीं फाइंड किया, इस फुल इक्वेशन में हम आफ्टर, जब हम इसको फाइंड कर लेंगे, इस वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, फिर हम वेरियंस वाली इक्वेशंस में पुट करेंगे, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर ए है। अब हमने क्या करना है, काम करना है इस पे, क्योंकि ये भी हमें पता है कि एन पी है, मीन है। अब मैं इस वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ। आपको पता है कि जब भी हमने कोई भी फंक्शन लेना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ मीन क्या होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक्स जीरो से एन तक है, और एक्स की जगह हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो हमने लिखने हैं, साथ फंक्शन लिखने। अब यहाँ हमें गिवन है एक्स एक्स माइनस वन, साथ में आपको गिवन है फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ फार्मूला भी हमारे पास किसका लगेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास क्या लगेगा, एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब कम्बिनेशन को ओपन करना है। देखो, कम्बिनेशन को मैंने आपको बताया था कि आपने एक्स की वैल्यूज़ देखनी है, अगर एक्स है तो हमने ओपन किया था एक्स माइनस वन तक, क्योंकि अब यहाँ मेरे पे एक्स एक्स माइनस वन है, इट्स मीन अब आपने ओपन करना है एक्स माइनस टू तक। तो मैं ये ओपन करती हूँ सीरीज़ को कम्बिनेशन की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस वन, देखिए एन एन माइनस वन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, यहाँ मैंने टू तक जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो एक्स की वैल्यूज़ है ना, एक्स और एक्स माइनस वन है, देन मैं क्या करूँगी, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल, टू तक जाने का पर्पज़ जो मेरा है कि ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाए, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब देखो, पी अगर पी एक्स है ना, मैं इधर लिख दूँ पी टू, मैंने सीरीज बनानी है ना, पी एक्स माइनस टू, इट्स मीन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस टू एंड प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग तो हमारे पास पी एक्स ही रह जाएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस एक्स। अब यहाँ से देखें, इट्स अ कैंसिल आउट, सीरीज जो हमारे पास बाकी रहेगी वो अब आपके पास क्या रहेगी है, एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट्स चेंज इट्स बिकम्स टू टू, क्योंकि हमारे पास एक्स माइनस टू है, तो हमारे पास जो लोअर लिमिट होगी अब इट्स अ टू, क्योंकि टू माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो आएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं ओपन क्लोज करती हूँ, तो मेरे पास जो सीरीज बनेगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ बनेगी एन माइनस टू एन एक्स माइनस टू आपके पास आ गया, एन पी एक्स माइनस टू एन क्यू एन माइनस एक्स। अब जो मेरे पर कांस्टेंट चीज़ें, आप देखें कि मेरे पास ये दो चीज़ें कांस्टेंट एंड पी स्क्वायर, तो इनको मैं क्या ले सकती हूँ, इनको मैं बाहर ले सकती हूँ, मेरे पास जो रिमेनिंग चीज़ें रहेगी ना, मैं इधर ऊपर लिख रही हूँ एन एन माइनस वन एन पी स्क्वायर, ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेती हूँ, मैं लिया एन एन माइनस वन एन पी स्क्वायर, बाकी जो आपके पास ये वैल्यूज़ है ना, ये जो सीरीज़ के मैंने, इसमें आपने लिमिट्स पुट करनी है, क्या करना है, लिमिट्स को पुट करना है। जब आप लिमिट्स को पुट करोगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वही जो क्यू माइनस वन एंड क्यू प्लस पी की सीरीज बनेगी, जिसके पावर एन माइनस टू होगी, इट्स मीन इट्स बिकम्स टू इक्वल, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था, तो हमारे पास टर्म रह गई है दिस वन। अब हमारे पास जो हम ये टर्म कर रहे थे ना, कि हमने सॉल्व करना था, तो हमने वैल्यूज़ पुट करनी थी, अब हम ईजिली उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो मैं पहले वैल्यूज़ पुट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए, इसकी जगह मैंने ये वैल्यूज़ पुट करनी, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आ गया, एन एन माइनस वन पी स्क्वायर एन प्लस एन पी, ये मेरे पास जो पहले वैल्यूज़ थी, अभी मैंने इसमें पुट नहीं करना, पहले मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मेरे पास क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर
प्लस एन पी, मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैंने वेरियंस वाले फार्मूले में पुट करना है जो चीज़ मुझे फाइंड करनी थी। अब देखो वेरियंस मेरे पास फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करती हूँ जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं इसकी, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा एन पी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। तो ये अब मेरे पास ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग जो मेरे पास अब रह गई है ना वो मैं वैल्यूज आगे लिखती हूँ और आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए यहाँ तक अब मैंने सॉल्व कर लिया प्रूफ, ठीक है। अब मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या रह गई हैं, मेरे पास जी रह गई हैं सिग्मा स्क्वायर की एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। आप देखो ये दो वैल्यूज रह गई हैं जो कि मैंने लिख ली। अब इनमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, एन एन पी कॉमन ले लेती हूँ तो वन माइनस पी मेरे पास रिमेनिंग रह जाता है। अब आपको पता है कि वन माइनस पी हमेशा किसके इक्वल होता है, जो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगर हमने फाइंड करनी होती क्यू तो वो इक्वल होती है वन माइनस पी के इक्वल होती है। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एन पी एन क्यू। तो वेरियंस फाइंड इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो ये टेकिंग द पॉजिटिव अंडर रूट एंड एन पी क्यू जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये प्रूफ ऑफ द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।